चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ है। खुद पीएम मोदी इन्वेस्टर समिट का जो है शुभारंभ करेंगे। देश और प्रदेश के विकास का खाका रखेंगे मंत्री। साथ ही 40 देशों के 400 विदेशी डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी बात जो है इसमें खास वो है 30 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव होगा। तो एक बड़ी सौगात लखनऊ के लिए ये समिट लेकर आने वाली है। और अब जो है दुनिया देखेगी यूपी के विकास की नई कहानी। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा तो विकास की दर है वो भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि सीएम योगी समापन समारोह की मुख्य अतिथि होंगे और राष्ट्रपति इसकी द्रौपदी मुर्मू की मुख्य अतिथि होंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ आज होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। बता दें आपको कि इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ है, ये समिट जो है लखनऊ के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा निवेशक यहां पर आएंगे। देश विदेश से निवेशक आज लखनऊ आएंगे और काफी ज्यादा तैयारियां हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साज सज्जा पूरी तरीके से हो चुकी है। इस बार खास ये किया गया है कि जितने भी देश के मेहमान आएंगे उनके सम्मान के लिए उनके देश के तिरंगे यहाँ पर लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग देश के तिरंगे यहाँ पर लगाए हैं। अतिथि देवो भव की जो हमारी प्रणाली है, भारतीय संस्कृति है, उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। हर देश का तिरंगा हमें नजर आएगा। जो भी देश से आएंगे इन्वेस्टर्स, उनके सम्मान में ये कदम उठाया गया है और पूरी तैयारियां जो है हो चुकी है। कल भी हमने आपको जायजा कराया था पूरे स्थल का, जहाँ सारी तैयारियां हो रही थी। और आज की अगर बात करें तो सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बात करें सुरक्षा की, बात करें पार्किंग की, तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ आज है।